हेलो वेलकम फ्रेंड, कैसे हो भाई लोग। मैं हूं सामिम, आप देख रहे हो वर्ल्ड गेमिंग चैनल को। तो फ्रेंड यहां पर सबसे पहले मैं दिखा देता हूं मेरा कलेक्शन, जो बहुत सारा फ्रेंड मुझे कमेंट कर रहे थे। मेरे सब्सक्राइबर कब से कमेंट कर रहे थे जो आपका कलेक्शन दिखाओ, आपका कलेक्शन दिखाओ। मैं दिखाना नहीं चाहता, उतना अच्छा कलेक्शन मेरा नहीं है, फिर भी आप जो है इतना जो है आप कमेंट करते हो तो मैं खुश होकर आपको जो है कलेक्शन दिखाने वाला हूँ। लेकिन एक बात ध्यान रखा, मेरा जो कलेक्शन है उसका 4 गुना आपका ही कलेक्शन होगा। मेरा कोई भी ज्यादा कलेक्शन नहीं है, मैं डायमंड उतना जो है फ्री फायर में टॉप अप नहीं करता हूँ, फिर भी मैं आप दिखना चाहते हो मेरे कलेक्शन में क्या है, तो मैं दिखाने के लिए कोई भी यहाँ पर एतराज नहीं करूंगा। मैं दिखाने वाला हूँ मेरा कलेक्शन में क्या है। तो फिर भी मैं बता दिया मेरा कलेक्शन उतना खास नहीं है, आपका खुद का कलेक्शन मेरे से बहुत ही अच्छा है। तो फिर भी आप दिखना चाहते हो तो यहाँ पर दिख सकते हो। सबसे पहले मैं कैरेक्टर को ओपन कर लेता हूँ। तो कैरेक्टर पे कितना कैरेक्टर है आप दिख सकते हो, मेरा दिखा रहा हूँ आपको। तो मेरा जो है सब कुछ कैरेक्टर अवेलेबल है मेरे पास, लेकिन 4 कैरेक्टर मेरे पास नहीं है, वो मैं लेना भी नहीं चाहता हूँ। एक जो है जाई, जिसको मैं लेना नहीं चाहता हूँ, ये फ्री में दिया जा रहा था लेकिन मैं नहीं लिया, मेरे को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है इसके लेने के लिए। और जो क्लू, क्लू एक अच्छा कैरेक्टर है लेकिन उतना खास नहीं है, मेरे को कोई भी जरूरत नहीं है। कैपिला भी मेरे को कुछ भी, ये कैपिला को और ये जाई बेघाटिया कैरेक्टर है, इसको मेरे जरूरत नहीं है। स्टेफी जो बोल रहे हैं डीजलोक की तरह है, लेकिन डीजल आलोक से बहुत इसका डिफरेंस है। सेम के जो इसका काम है, सेम काम है, इसका एबिलिटी भी सेम है, लेकिन क्या बोलो यार, स्टेफी एक जोन के अंदर काम करते हैं, लेकिन डीजल जहां का भी जाएगा उसका जो खुद का एक जोन है, तो ये बहुत ही उसका एडवांटेज है। तो डीजलोक सबसे फेमस है, इसीलिए फेमस है। स्टेफी डीजलोक का तरह ही एबिलिटी है, लेकिन वो फेमस नहीं है, इसीलिए वो एक जगह में इसका सर्कल बना देता है, उसके बाद वो काम करता है। तो ये 4 कैरेक्टर मुझे इतना जरूरत भी नहीं था, जिस जिस कैरेक्टर को मेरा जरूरत था वो कैरेक्टर मैंने ले चुका हूँ। और आप भी कैरेक्टर कॉम्बिनेशन का कुछ भी वीडियो चाहते हो तो आप जो है कमेंट्स कर सकते हो। बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन रैंक के लिए, स्लो के लिए, डुओ के लिए कौन सी बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन होगा, उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो है मेरा जो यहाँ पर क्या बोलो कैरेक्टर था वो मैंने दिखा दिया हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर पेट पे चलते हैं, पेट पे क्या है उसके बारे में दिखा देता हूँ। तो पेट पे ज्यादा कुछ नहीं है मेरे पास, तो यहाँ पर देखिए शिवा मेरे पास नहीं है, और ये जो कैरेक्टर है ये प्रोलिन, प्रोलिन मेरे पास नहीं है, और उसका ऊपर में जो है मिस्टर वागर, ये तीनों कैरेक्टर मेरे पेट मेरे पास नहीं है, और सब कुछ पेट मेरे पास अवेलेबल है। और ये तो फ्री में दिया जा रहा था, लेकिन किसी का नेम नहीं मैं चेंज किया, क्या नाम रखूं, मुझे उतना जो है ये इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए जो जिसका नेम है वो मैंने रख दिया हूँ। और जो है वो कलेक्शन, उस कलेक्शन के बाद में वेपन के बारे में एंड पे दिखाऊंगा। तो सबसे पहले कलेक्शन के बाद में चलते हैं। तो कलेक्शन पे मेरा जो है आपका बोला था ना उतना अच्छा इमोट नहीं है, आपका इससे बेहतर इमोट होगा। तो ये देखिए मेरा जो इमोट है आप देख सकते हो, ये जो इमोट है मेरे पास है, और ये इमोट भी है, ये इमोट भी है, कौन रिक्वेस्ट भेज रहा था यार, ये इमोट भी मेरे पास है। तो मैं यहाँ पर दिख सकता हूँ ये सब कुछ मेरे पास है, लेकिन उतना खास इमोट नहीं है। और ये जो है मैं हाल ही में मुझे मिला था, और ये भी इमोट मेरे पास है, ये इमोट और इस इमोट भी मेरे पास है। उसके बाद ये जो लोल इमोट सबके पास है लेकिन मेरे पास नहीं है। एक इवेंट चल रहा था, मैंने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया तो मैंने नहीं लिया, बाद में ले लूंगा। इसी बात चक्कर चलते चलते मेरा जो लोल इमोट नहीं ले पाया। और उसके बाद जो भेनिजी में चलते हैं, भेकल में चलते हैं, और यहाँ पर देखिए पुराना एक कार का स्किन जिसको किसी के पास शायद नहीं है, 10% बंदे के पास ये होगा, ये स्किन किसी के पास है कि नहीं आप कमेंट्स में जरूर बताना। मेरे को तो लगता है यहाँ पर 10% बंदे के पास होगा, आपके पास है कि नहीं ये जो स्किन है आपको कमेंट्स में जरूर बताना। और ये तो एलाइट पास पे दिया जा रहा था, सबके पास है। तो यहाँ पर तो ये सबके पास है। उसके बाद बैकपैक पे चले जाता हूँ। तो बैकपैक के जाने पर ये बैकपैक 10% बंदे के पास ही होगा, ये भी आपके पास है तो आप कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हो। मुझे तो लगता है ये बैकपैक 10% क्या उसके भी ज्यादा कम शायद बंदे के पास है। ये भी आप देख सकते हो, ये मेरे को एलाइट पास में मिल चुका था, ये भी एलाइट पास में है। तो इसका जो है मेरे को ये बहुत ही अच्छा लगता था, इसको मैं यूज करता था, अभी ये इसको यूज कर रहा हूँ। ये भी आपको जो है अच्छा लगता है, लेकिन ये लेकर जो है खेलना बहुत ही दिक्कत होता है, ये भी दिक्कत होता है खेलने के लिए। और ये भी अच्छा खासा है, ये भी मुझे अच्छा लगता है। तो सबसे अच्छा जो लगता है मैंने उसको लिए खेलता हूँ।
और ये भी देख सकते हो, ये भी देख सकते हो, ये इसको मैं लेकर खेलता था लेकिन ये रेड कलर की वजह से इसको नहीं लिया, सॉरी पिंक कलर की वजह से। इसका भी ये भी लेकर मैं खेलता हूँ और इसको लेकर नहीं खेलता हूँ। ये बहुत ही डिफिकल्ट करते हैं, जब एनिमी को यहाँ पर किल करना चाहिए उस टाइम बहुत ही डिफिकल्ट कर देता है। इसका पंखा है और उसके बाद ये जो है साधारण तरीके का है, ये सब कुछ फ्री में मिला था, ये तो टॉप अप पे मिला था और उतना खास नहीं है। उसके बाद लूटबॉक्स पे चलते हैं। लूटबॉक्स तो ये तो चला गया लेकिन इसको शायद किसी के पास होगा, आप कमेंट्स में बताना। मेरे पास जो भी एक रेयर आइटम है वो आपके पास है कि नहीं कमेंट्स में जरूर बताना। और यहाँ पर बहुत पसीना आ रहा था यार, बहुत ही गर्मी चल रहा था, पसीना आ रहा है। तो यहाँ पर कितना गर्मी में वीडियो बना रहा हूँ, तो एक लाइक तो बनता है, फटाक से लाइक कर डालो यार। और यहाँ पर देखिए लूटबॉक्स भी, ये लूटबॉक्स भी देख सकते हो, ये तो एक हाल ही में मिला है मेरे को। और सब कुछ यहाँ पर लूटबॉक्स यहाँ पर मिल चुका है मेरे को। ये लूटबॉक्स तो किसी के पास है कि नहीं कमेंट्स में जरूर बताना। और ये भी उतना खास नहीं है, ये मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है और इसको भी बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए इसका जो है पीछे से धुआं निकल रहा है, क्या भी निकल रहा है, आपको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है। और यहाँ पर शेर इसका चक्कर चक्कर खा रहा है। उसके बाद आप देख सकते हो ये जो है नॉर्मल टाइप का है। इसके बाद स्कोट पे सॉरी स्केटबोर्ड पे चले जाता है। स्केटबोर्ड पे चले जाने के बाद यहाँ पर ये स्केटबोर्ड मेरा देख सकते हो, ये भी देख सकते हो, ये भी देख सकते हो। और ये साधारण सी मेरे पास है तो ये सब कुछ मैं दिखाने वाला हूँ। और आप देख सकते हो मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है ये वाला, सॉरी ये वाला मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। आप देख सकते हो ये एनिमेशन के साथ, ये एनिमेशन भी बहुत ही अच्छा कूल लगता है मेरे को। और ये भी अच्छा है, ये भी सब कुछ मेरा अच्छा लगता है लेकिन यूज में ज्यादा नहीं करता हूँ। जो भी मेरा सिलेक्ट कर दिया वो तो साल निकल जाता है, वो भी यहाँ पर देखिए ये छोरी निकल रहा है इसके साथ। तो ये भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है। तो इतना चेंज में नहीं करता हूँ, जो सिलेक्ट कर देता हूँ वही रहता है। और उसके बाद ये नॉर्मल सी है, नॉर्मल को आपको दिखाने का कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको पैराशूट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, जितने भी पैराशूट है मैं उसको नहीं दिखाता हूँ। और ये तो पिन वगैरह है। उसके बाद आपको यहाँ पर वेल्ड में चले जाता हूँ और वेल्ड के जाने से पहले मैं कलेक्शन को जो वेपन है उसको दिखा देता हूँ। वेपन आपके भी बहुत सारा वेपन होगा, मेरे को उतना वेपन नहीं है। और यहाँ पर देखिए M41 सिंपल डबल डैमेज का है, एक और कुछ नहीं है यहाँ पर। ये भी एक डबल डैमेज का है, एक है यहाँ पर, ये फ्री में मिला था डबल डैमेज का। और इसका मैगजीन डबल है और इसका रेट ऑफ फायर और रिलोड स्पीड ज्यादा है। और इसका जो है रेट ऑफ फायर और रेंज गला एक कमी हुई है और एमओ परफॉर्मेंस अच्छा है। लेकिन आपको ये जो देख रहे हो ये भी बहुत अच्छा मेरे को लगता है लेकिन उतना खास एनिमेशन के साथ नहीं है। एके भी मेरा शौक था क्यूपिड स्कल लेने के लिए, बाद में ट्राई करेंगे क्यूपिड स्कल। ग्रोजा भी उतना खास नहीं है मेरा, ग्रोजा दो कलर की मेरे पास है। उसके बाद इसके इसकी एक दो तीन तीन चार कलर है मेरे पास लेकिन वो भी बहुत ही घटिया है। ये दो कलर है, इसका कोई एनिमेशन नहीं है लेकिन फार्मास लेकर खेलता हूँ, ये बहुत ही अच्छा लगता है मेरे को। इसका डबल डैमेज है और एक्यूरेसी एक जो है गिरा हुआ है लेकिन मेरा जो हेडशॉट निकल जाता है यहाँ से, बहुत अच्छा खासा हेडशॉट निकलता है यहाँ पर। और जो है ड्रैगन पे कोई भी परमानेंट नहीं है, एक से मिनट पे एक रेट ऑफ फायर वाला परमानेंट है, इसको लेकर मैं खेलता हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। इसका भी एक रेट ऑफ फायर वाला परमानेंट है और इसका भी एक डबल डैमेज वाला, सिंगल डैमेज और एक्यूरेसी वाला परमानेंट है। और यहाँ पर आग पे तो कुछ नहीं है, यहाँ तो चला गया। एक बार SMG यहाँ पर ये परमानेंट है, सिंगल डैमेज और रेट ऑफ फायर डबल वाला बहुत अच्छा खासा है। ये डबल डैमेज वाला तीनों है, तीन में एक से एक बढ़कर है। ये एक्यूरेसी डबल, इसका रेट ऑफ फायर डबल और इसका जो है डैमेज डबल यहाँ पर दिया हुआ है। VSS दोनों है, एक डैमेज डबल यहाँ पर, ये रेट ऑफ फायर है यहाँ पर, ये रेट ऑफ फायर और इसका जो है डैमेज। और MP40 एक है जिसका रेंज डैमेज डबल है, रिलोड स्पीड यहाँ पर मैगजीन डबल है, यहाँ पर डैमेज सिंगल है। और इतना खास नहीं है, इसके बारे में कुछ भी बताने की कोई भी जरूरत नहीं है। और उसके बाद जो है ये भी डबल डैमेज का है, स्नाइपर उतना खास नहीं है, ये भी रेट ऑफ फायर डबल है। पिस्तौल उतना खास नहीं है मेरे पास, जो भी फ्री में मिला था वो मैंने पकड़ लिया यहाँ पर। और जो है पेन वगैरह है, पेन तीनों चीज तीनों कलर का पेन है मेरे पास। और ये तो मुक्का मेरे पास नहीं है, मुक्का शायद नहीं है मेरे पास, मुक्का निकलने का कोशिश कर रहा था और जो है इमोट वगैरह निकल गया। और जो ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट एक दो तीन चार पाँच छ सात, सात कलर का ग्रेनाइट है। और उसके बाद अलग सी एक जो है ये क्रॉस बाउ, इसके कुछ नहीं है। और ग्रेनाइट ग्लोबल का शो नहीं कर रहा था, क्यों नहीं शो कर रहा है ग्लोबल, वो शो कर रहा है यहाँ पर। और ग्लोबल एक है मेरे पास, दो
तीन चार, सॉरी ये एक दो तीन चार, चार ही यहाँ पर ग्लोबल है मेरे पास, और इसको मैंने बहुत ही अच्छा लगता था, इसको लेने के लिए ये रख देता हूँ शायद। तो यहाँ पर उसके बाद जो है भेड़ पे चले जाता हूँ, और भेड़ जो आखिरी है, आखिरी देख क्या बताऊँ, भेड़ में उतना अच्छा खासा मेरा नहीं है, फिर भी मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये जो है सभी के पास है, इसके दिखाने का कोई भी जरूरत नहीं है, ये भी शायद सभी के पास होगा, ये भी होगा, इसका फुल कॉस्ट्यूम फ्री में मिला था मेरे को। और सबसे पहले कॉस्ट्यूम दिखा देता हूँ, कॉस्ट्यूम जो है कॉस्ट्यूम वगैरह को मैं दिखा देता हूँ, और यहाँ पर जो कॉस्ट्यूम वगैरह है कॉस्ट्यूम को मैं दिखा देता हूँ। उसके पहले ये भी कॉस्ट्यूम सभी के पास है शायद, ये तो एलाइट पास में देता था, ये तो कॉस्ट्यूम सभी के पास होगा, ये भी सभी के पास होगा, और ये भी सभी के पास होगा, और ये भी शायद सभी के पास होगा, और इसका जो फुल बंडल मेरे पास नहीं है, आपके पास है कि नहीं ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसका भी फुल बंडल मेरे पास नहीं है, जितना भी है मैंने दिखा दिया, जितना भी है मेरा दिखा दिया। उसके बाद इसका भी, ये तो फुल बंडल किसी नहीं है, इसका फुल बंडल शायद है मेरे पास, हाँ इसका फुल बंडल है। उसके बाद इसका भी फुल बंडल मेरे पास शायद है, तो सबसे पहले इसको दिखा देता हूँ, इसका भी फुल बंडल मेरे पास, सॉरी यहाँ पर इसका भी फुल बंडल है मेरे पास, इसका भी फुल बंडल है मेरे पास, और इसका फुल बंडल है कि नहीं देखती हूँ, हाँ इसका भी फुल बंडल है मेरे पास। उसके बाद आप इसको देख सकते हो, इसका फुल बंडल मेरे पास नहीं है, इसको मैंने दिखा दिया, इसका फुल बंडल है कि हाँ इसका फुल बंडल है, ये तो मेरा वेपन रॉयल सॉरी फ्री में जो मिला था, और इसका भी फुल बंडल है मेरे पास, ये तो हाल ही में इंक्यूबेटर में मिला था मेरे को, और इसका फुल बंडल शायद है कि नहीं, नहीं इसका फुल बंडल नहीं है, और इसका फुल बंडल शायद है, इसका भी फुल बंडल मेरे पास नहीं है। और यहाँ पर एक मैंने मिस्टेक, यहाँ पर जो है इसका फुल बंडल मेरे पास है, तो इसका किसी के पास ये बंडल किसी के पास है कि नहीं, आप कमेंट्स में जरूर बताना। ये रेयर बन यहाँ पर रेयर बंडल है, इसका शायद किसके पास नहीं है, 10% बंदे के पास होगा, और आपके पास है कि नहीं आप कमेंट्स में जरूर बताना। और ये जोकर वाला तो सभी के शायद पास है, तो ये जोकर मैंने जो लिया था मैजिक क्यूब से, और अभी तो मैजिक क्यूब में बहुत घटिया चीज आ रहा है, और इसको मैंने जो है इक्यूब करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो मैंने एक जो किस सीजन का एलाइट पास था मुझे मालूम नहीं है उतना, और यहाँ पर जो है ये भी मैंने जो लिया था एलाइट पास से, और ये भी लिया था, इसको लिया था मैंने मैजिक क्यू से, और इसको लिया था मैंने डायमंड डायमंड रॉयल जो है स्पिन वगैरह था, और इसको मैंने पता है एक स्पिन से शाम को 8 बजे एक स्पिन पे मिल गया था, और ये भी मैंने मिला था एलाइट पास पे, और ये तो सभी को पता है कहाँ से मिला था, और ये भी मेरे को मिला था एलाइट पास से, और ये भी तो दिखा दिया मैंने, और उसके साथ कोई भी यहाँ पर अलग सी चीज मेरे पास नहीं है, और एक मैजिक क्यू पड़ा हुआ है जो सभी कुछ चाहिए, और ये मैजिक क्यू मेरे पास है, तो इस मैजिक क्यू में रखा हुआ, आपके पास भी है आप रख देना। यहाँ पर मैजिक क्यू में बहुत घटिया चीज दे रहे थे, जब अच्छा चीज आएगा मैं लूंगा, और आप भी आपके पास मैजिक क्यू है तो आप रख देना वहां पर। और जो है यहाँ पर कलेक्शन तो उतना खास मेरे पास नहीं है, आपका किससे आपके पास क्या यहाँ पर क्या बोलो अच्छा अच्छा रेयर बंडल है कि नहीं आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो चैनल के लिए पाने के लिए चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हो, और जो नया बंदा देख रहे हो उसको बोल रहा हूँ वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो फटाक से लाइक कर दे, एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने का, और जो है एक लाइक मुझको यहाँ पर खुश देता है, मैं इतना मेहनत करता हूँ वीडियो बनाने का, और एक लाइक मिल जाता है बहुत ही, जो जो मैंने यहाँ पर मेहनत किया उसको कुछ भी यहाँ पर मेरे को कुछ भी यहाँ पर नहीं लगता, मैं खुश हो जाता, लेकिन आप लाइक ही नहीं करते और व्यू ही नहीं कर पाते हो। तो प्लीज भाई लोग आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या गलती कर रहा हो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मेरा क्या गलती है उसको सुधारने का कोशिश करूंगा, लेकिन वीडियो देखना बंद मत करो, आप पूरा वीडियो को देखो और वीडियो को देखकर मजा लो, और मैं तो गिव अवे करता ही हूँ, और भी ज्यादा गिव अवे करूंगा, थोड़ा सा पैसा आने दो, मैं भी स्टूडेंट हूँ आप भी स्टूडेंट हो, मेरे को भी पॉकेट मनी से यहाँ पर आपको गिव अवे देना पड़ता है। तो अभी तक इतना ही, फिर मिलेंगे अलग वीडियो पे, तब तक क्लास रहना है लोग, बाय बाय।